नमस्कार। आज 5 अगस्त है और 4 साल पहले एक ऐतिहासिक काम हुआ था जब गृह मंत्री अमित शाह अचानक पार्लियामेंट पहुंचे थे और उन्होंने 370 हटाने का एक धमाका किया था। 24 घंटे पहले तक भी किसी को अनुमान नहीं था कि ऐसा कुछ कश्मीर के बारे में होने जा रहा है। इस मुद्दे पर आज एक चीज, इस 4 साल तो हो ही रहे हैं इस मसले को लेकर, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में इस पर दैनिक एक प्रक्रिया चल रही है सुनवाई की, क्योंकि इसके खिलाफ 370 को हटाए जाने के खिलाफ बहुत सारी याचिकाएं थी जिन्हें कंपाइल्ड फॉर्म में लिया गया और अब उसको सप्ताह में 3 या 4 दिन उस पर रोजाना सुनवाई हो रही है। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए मैंने किसी शख्स को ढूंढा तो मुझे मिले बंबई से हमारे जितेंद्र दीक्षित जी, आपके साथ स्क्रीन पे हैं। आपका स्वागत है जितेंद्र जी। धन्यवाद जितेंद्र जी का परिचय मैं आपको बता दूं भाई। कि एबीपी से हैं, एबीपी न्यूज से हैं, वेस्ट इंडिया के एडिटर हैं और मुंबई की पॉलिटिक्स और मुंबई से ही सब कुछ कवर करते रहे हैं, वहीं के रहने वाले हैं, वहीं से पढ़े हैं। लेकिन इन्होंने एक बहुत बढ़िया किताब लिखी थी, वो भी किताब मुझे मिली नहीं है। इनकी एक दूसरी किताब के बैक कवर पर, ये किताब इन्होंने इनकी जो आई उसके बैक कवर पर मुझे ये मिली, कश्मीर 370 के साथ और बाद। ये किताब मैं मंगवा रहा हूं। लेकिन इस किताब में जो जो दीक्षित जी ने लिखा है या इनके अनुभव जो इन्होंने इसमें शेयर किए हैं वो सब आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन दीक्षित जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि 4 साल हो गए 370 हटे और आज इंडियन एक्सप्रेस ने एक बहुत अच्छा एक वो छापा है अंदर, उसमें के 370 हटने के बाद वहां के क्या क्या चीजें वहां जो हुई और क्या क्या चीजें जो वहां पर होनी बंद हो गई, दो आइटम उन्होंने आज इस पर छापे हैं। वैसे हम सब लोग जानते हैं कि डीडीसी के चुनाव हुए, नया परिसीमन पुनर्गठन आयोग बना, पत्थरबाजी नहीं हो रही है, आतंकियों के खिलाफ बड़ी बड़ी मुहिम चल रही है, अरेस्टिंग हो रही है, तो बहुत सारी चीजें हुई हैं। आज 4 साल बाद दीक्षित जी ये बताइए कि आप किस तरीके से देखते हैं इन चीजों को जो आपने 4 साल पहले देखा, आप 2 बार विजिट भी करके आए, किताब लिखने से पहले भी बाद में भी, किस तरीके के अब आपको चेंजेस, आपको वहां से क्या फीडबैक मिल रहा है, क्या चीजें वहां आपको मिल रही हैं देखने के लिए? जी धन्यवाद हर्ष भाई मुझे इस बातचीत का मौका देने के लिए। एक छोटा सा सुधार मेरे परिचय में मैं करना चाहूंगा कि मैं पहले एबीपी न्यूज का पश्चिम भारत संपादक था। अच्छा, इसी 10 जुलाई को मैंने इस्तीफा दिया है, तो अब मैं एबीपी न्यूज के कोई साथ कोई नहीं कोई जुड़ा हूँ। कोई पुरानी बात नहीं जी है, 1 महीना पुरानी है, मैंने कोई गलती जी नहीं की है, इस किताब में यही लिखा हुआ है। वैसे आप इंडिया इंडिया जी टुडे में भी आप पहले रहे हैं। जी जी बिल्कुल, उसके पहले मैं इंडिया टुडे ग्रुप के साथ था। हुँ. तो जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो इन 4 सालों में आपने जो बातें कही वो बदलाव आना शुरू हुए हैं। हुँ. जहां तक पत्थरबाजी का सवाल है, पत्थरबाजी जब 2019 अगस्त में इस अनुच्छेद को हटाया गया था तब तक वहां पत्थरबाजी हो रही थी और काफी बड़े पैमाने पर हो रही थी। हालांकि उन दिनों संचार प्रसार माध्यमों पर एक तरह से कई सारे रिस्ट्रिक्शंस थे और ज्यादा घूमने फिरने पर भी बहुत सारी रुकावटें थी, तो वो तमाम चीजें उस वक्त सामने नहीं आ पाई। लेकिन पत्थरबाजी तब तक एकदम चरम पर थी, हम कह सकते हैं। एक बार जब बुरहान वानी की का एनकाउंटर हुआ था, उसके बाद से जो दौर शुरू हुआ था पत्थरबाजी का, उसका चरम जो है इसी दौरान आया जब अनुच्छेद 370 को एब्रोगेट किया गया। लेकिन अगर हम इन 4 सालों में परिवर्तन की बात करें तो इन 4 सालों में पत्थरबाजी की घटनाएं बिल्कुल खत्म हो गई हैं। अब कोई पत्थरबाजी की घटना नहीं आती है सामने, उसकी खबरें नहीं आती हैं। और कई सारे पत्थरबाज थे वो या तो रिफॉर्म हो चुके हैं या फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कई सारे पत्थरबाज जो है वो, क्योंकि आतंकी बनने का पहला स्टेप होता है पत्थरबाजी, जो हमने मैंने पत्थरबाजों पर भी एक पूरा चैप्टर लिखा और ये समझने की कोशिश की कि लोग पत्थरबाजी क्यों करते थे और कौन लोग इसके पीछे थे, जो कि इन लड़कों से, पत्थरबाजों में जो है 16-17 साल के भी लड़के होते थे, उनमें 25-30 साल की उम्र के भी लोग थे। तो इनको कौन लोग थे जो पत्थरबाजी करने के लिए उकसाते थे, और क्या इसके पीछे वो आइडियोलॉजी ही थी जो सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी है कि कश्मीर को भारत से अलग करना है, वही जिम्मेदार था या दूसरा कारण भी था? तो ये पता चला कि कई ऐसे लोग थे जो आतंकियों से सहानुभूति रखते थे या पाकिस्तानी एजेंट थे, जो कि बाकायदा पत्थरबाजी करने के लिए इन्हें पैसे पहुंचाया करते थे। तो अब इन 4 सालों में ये हुआ है कि ऐसे लोगों को भी आइडेंटिफाई किया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने और इन पर भी नकेल कसी गई है, और इसलिए पत्थरबाजी पूरी तरह से बंद हो गई। जहां तक आतंकी घटनाओं का सवाल है,
तो आतंकी घटनाएं जो है अभी भी होती हैं, उस बड़े पैमाने पर नहीं हो रही हैं, लेकिन हमने देखा कि कई कई बार ऐसे ऐसे लोगों की हत्या हुई है जिन्हें कि बीते 35-40 साल में जो कश्मीर की इंसर्जेंसी में जिनको नहीं हाथ लगाया गया था, आतंकियों ने उनको भी मारा। आप वहां पर अगर श्रीनगर जाएंगे तो दल गेट गेट के पास में एक वहां पर वैष्णो ढाबा है, कृष्णा वैष्णो ढाबा, उसके मालिक के बेटे की हत्या कर दी गई जब वो गल्ले पर वहां पर बैठा हुआ था। ये अब से 2-2.5 साल पहले की बात है, एब्रोगेशन के बाद की बात है। और ये वो शख्स थे जो उसके मालिक थे, उन्होंने कभी भी जो है अपने आप को किसी आइडियोलॉजी के साथ नहीं जोड़ा था, ना तो उन्होंने सेपरेटिस्ट के साथ जोड़ा था, ना उन्होंने राइट विंगर्स के साथ में जोड़ा था। वो सिर्फ अपना वहां पर ढाबा चलाते थे, काफी लोकप्रिय उनका ढाबा था, और मैं जब भी श्रीनगर जाता था तो मेरे दोनों वक्त का खाना लगभग उन्हीं के यहाँ पर होता था। और मुझे बड़ा दुख हुआ कि जो व्यक्ति 35-40 साल से वहां अपने आप को वहां के सामाजिक घटनाक्रमों के साथ ढाल कर चल रहा था, उसके साथ में ऐसा हो गया। जब भी आतंकी या फिर सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है किसी बंद का आयोजन करते थे तो वो बिना किसी विरोध के बंद कर देता था। वो किसी भी तरह से उसने कोई ना तो ऐसी बयानबाजी की और ना ही कुछ ऐसा किया जिससे कि आतंकियों को उकसाया जाए, लेकिन इसके बावजूद उसके बेटे की हत्या कर दी गई। ऐसे कुछ और भी मामले हुए, कई सारे जो बाहर के आए हुए लोग थे। ये वाला जो इंसिडेंट बताया, ये आप ये उससे भी जुड़ा हुआ है जो अभी पिछले कुछ समय 1-1.5 साल के अंदर टारगेटेड किलिंग जो हुई है बिहार का, बिल्कुल मार दिया। ये एक टीचर की हत्या कर दी गई थी, हिंदू टीचर थी महिला, स्कूल में उसकी हत्या कर दी गई थी। ये उस दौर की भी आप बात बता रहे हैं। मैंने जी बिल्कुल, ये उस दौर की है। बारे में मेरी बात हुई थी जनरल KJS ढिल्लो, जिन्होंने किताब लिखी है कितने गाजी आए कितने गाजी गए, उन्होंने इस पे डिटेल लिखा है। उनका जो मानना है ढिल्लो साहब का, तो उनका ये मानना है कि जो पत्थरबाजी वाली बात जो आपने की, उन्होंने कहा कि पत्थरबाजी का तो दौर इस तरह से चला कि जब 90s में यहाँ एजुकेशन सिस्टम खत्म हो गया, सारे टीचर्स जो है कश्मीरी पंडित थे या हिंदू थे, वो चले गए, मार दिया, भाग गए यहाँ से, बाहर चले गए, यहाँ से शिफ्ट हो गए। तो उसके बाद एजुकेशन का जो ढांचा है एकदम गिरा है, बच्चों को पढ़ाई नहीं मिली। जब उन्हें पढ़ाई नहीं मिली, जो बच्चे टीनेजर थे वो जवान हो गए, जो छोटे बच्चे थे वो टीनेजर हो गए, उन्हें जब 500-500 रुपए मिलने लगे हर फ्राइडे को पत्थरबाजी के लिए, तो उन्होंने कहा कि तब ये चलन इसका ज्यादा बढ़ा। एक तरह से ये बेरोजगारी से और अशिक्षा से भी जुड़ा हुआ है। बेरोजगारी, अशिक्षा और इसके साथ साथ ड्रग्स, एक बड़ी ही चौंकाने वाली बात हमें पता चली कि बहुत सारे वहां पर कश्मीरी युवा जो है वो ड्रग्स के आदि हो चुके थे, और खास करके ऐसे पत्थरबाज जिन्हें की ड्रग्स खरीदने के लिए पैसों की जरूरत थी, वो खास करके जो है पत्थरबाज बन गए, क्योंकि उसके उन्हें पैसे मिलते थे और उससे वो अपने नशे की लत को सपोर्ट करते थे। तो वो भी इसके पीछे एक अहम कारण था। और जो एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो आए दिन वहां पर कोई ना कोई जो है वहां पर बंद का ऐलान कर देता था, स्कूल कॉलेज बंद हो जाते थे। तो अगर आपने स्कूल में बच्चे को भर्ती कराया भी है तब भी उसका एजुकेशन तो उस तरह से नहीं हो पा रहा था। मतलब हाँ, जो लोग प्रॉस्पेरस थे, जो मतलब ऐसे पैसे वाले कश्मीरी जो अपने बच्चों को बाहर भेज सकते थे या फिर अच्छे स्कूलों में वहां पर भेजें, तो ठीक है उनके बच्चे पढ़ जाते थे, लेकिन जो आम कश्मीरी है, जो मध्यम वर्ग का कश्मीरी है, तो निम्न मध्यम वर्ग का कश्मीरी है, उसके लिए तो पूरी तरह से सरकार पर डिपेंड था। और जब इस तरह की घटनाएं वहां पर होती थी तो ऐसे में जाहिर तौर पर उनकी शिक्षा पर असर पड़ता था, फिर उसकी वजह से उनके रोजगार पर असर पड़ता था, और ऐसे ही युवा जो है पत्थरबाज बन जाते थे। बिल्कुल सही, उन्होंने भी इसी तरह की बातें कही कि हमने फिर धीरे से लोगों को जोड़ने की कोशिश की, कुछ स्कूल भी खोले गए, और जैसे कि बताया आपने कि पूरे साल स्कूल बंद रहते, तो उन्होंने बताया कि 100 कुछ दिन ही स्कूल चलते थे, 100-190 दिन ही स्कूल चलते थे पूरे साल में। तो उन्होंने बताया कि हम कोशिश करते थे कि स्कूल खुलवाए जाए ज्यादा से ज्यादा, भले ही कर्फ्यू की स्थिति है, लेकिन स्कूल फिर भी खुलवाया जाए, बच्चों को जाने का मौका दिया जाए। ये बात बिल्कुल आपने सही कही। इसमें थोड़ा सा मैं इस बारे में जितेंद्र जी आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जो सुप्रीम कोर्ट में अभी चीजें चल रही हैं, उस पर सुनवाई हो रही है, और कपिल सिब्बल साहब तो इन कामों के लिए मशहूर हैं, जितनी भी इस तरह के मामले हैं, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, 3 तलाक हो, तो केस कपिल सिब्बल साहब के पास ही जाना है, ये भी उनके पास गया है। लेकिन इससे पहले मैंने एक वीडियो ये भी बनाया था, बड़ा लाखों में चला मेरा वो वीडियो, शाह फैजल वाला जो मामला था, कि शाह फैजल ने कहा कि यार मैंने तो अपनी याचिका वापस ले ली, और आप उसे रिप्रेजेंटेटिव याचिका मानते हुए आप उसको हियरिंग पे ला रहे हैं।
उसके बाद फिर क्या हुआ, ये क्या किस तरीके से ये गलती हुई, क्या हुआ, ये थोड़ा सा मुझे समझाने की कोशिश कीजिए कि ये हुआ क्या था। देखिए, शाह फैजल का मामला बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और अपनी किताब के लिए मैंने भी उनका इंटरव्यू किया था। शाह फैजल तो पहले तो वो बड़े ही जो मतलब वो सरकारी नौकरी से डिसिल्यूजेंट हो गए, वहां से उन्होंने जो है नौकरी छोड़ी, फिर उन्होंने पार्टी अपनी बना ली। राजनीतिक पार्टी बना ली, फिर हाँ उस दौरान उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और उनको पकड़कर उनको भी डिटेन कर लिया गया। उसके बाद जब वो छूट कर आए तो फिर उन्होंने अपनी पार्टी जो है छोड़ दी। अब वो उनकी पार्टी एग्जिस्टेंस में है जहां तक मेरी जानकारी है, लेकिन अब वो उसके सदस्य नहीं है और वो राजनीति से हट गए और वापस से फिर से वो ब्यूरोक्रेट बन गए। और अब जो है वो जो बात करते हैं वो पहले जैसी बात नहीं है जब वो राजनीति में हुआ करते थे। मैं आपको जो मैंने उनके इंटरव्यू का जो अंश लिखा है अपनी किताब में वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पढ़ के सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। पूर्व आईएएस अधिकारी शाह फैजल ने अगस्त 2019 के बाद कश्मीर की उप जेलों में एक राजनेता के रूप में अपने जीवन का एक हिस्सा बिताया। जनवरी 2019 में शाह फैजल ने फेसबुक पर सिविल सेवा से अपने इस्तीफे की घोषणा की थी। 2 महीने बाद उन्होंने जम्मू और कश्मीर पीपल्स मूवमेंट नाम से एक राजनीतिक पार्टी बनाई। जून 2021 में 10 महीने की हिरासत से अपनी रिहाई के बाद फैजल ने राजनीति छोड़ने का फैसला किया। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका राजनीति से मोहभंग क्यों हुआ, तो इस पर उन्होंने कहा कि आपने अगस्त दो आपने हजार आपने इंटरव्यू उनको जब उन्होंने छोड़ने का फैसला किया तब किया आपने? जी 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 अच्छा, हाँ छोड़ने का फैसला किया। उसके बाद जब राजनीति की उन्होंने छोड़ दी, उसके बाद में मैंने उनका इंटरव्यू किया, तो उन्होंने कहा कि अगस्त 2019 की घटनाएं मेरे लिए काफी भारी थी। हमने कश्मीर को एक खास तरह से समझा था और अचानक एक ऐसी हालत आ गई जहां हम सभी गलत साबित हो गए। राजनीति में आने के लिए मेरी मूल धारणा ये थी कि मैं सुशासन पर ध्यान केंद्रित करूंगा और अपने लिए इस सवाल का जवाब दूं कि कश्मीर में शांति लाने में चुनावी राजनीति की कोई भूमिका है या नहीं। अनुच्छेद 370 को निरस्त करना और राज्य का दर्जा खत्म करना इस बात का इशारा था कि चुनावी राजनीति को खुद को शासन के सामान्य मुद्दों तक सीमित रखना चाहिए और राजनीतिक सवालों को केंद्र पर छोड़ देना चाहिए। मैं नया झूठ फैलाकर और कश्मीरियों से कहकर करियर नहीं बनाना चाहता कि देखो देखो मुझे वोट दो और मैं कश्मीर के मुद्दे को सुलझा लूंगा। कश्मीर मुद्दा 1947 में ही सुलझा लिया गया था। बात सिर्फ इतनी थी कि भारत के पक्ष में खड़े होते हुए हम संघवादी कश्मीर पर भारत की घोषित स्थिति के बारे में पर्याप्त रूप से मुखर नहीं थे। मैंने तय किया कि कश्मीरियों को ख्वाब दिखाने के बजाय मुझे उनके सामने तथ्य रखने चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि देखो हम अभी यहाँ खड़े हैं और पिछले 70 साल का अनुभव बताता है कि वक्त में पीछे नहीं जाया जा सकता। तो यही एक बात थी जहां पर वो सबसे लीड पेटिशनर बने थे और उसके बाद उन्होंने अपने आप को उस पिटीशन से जो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका थी हटा लिया गया और उसके बाद में फिर नए शख्स की याचिका को लीड पिटीशन बनाया गया। तो जो मैंने आपको उनके उस मेरा सवाल सुनाया, देखिए जितेंद्र जी, मेरा सवाल ये था, उन्होंने तो ये कहा कि मैं तो पहले ही ये याचिका वापस ले चुका हूं और वो लिस्टेड बाद में हुई सुप्रीम कोर्ट में, वहां पे शाह फैजल वर्सेस वो लिखा हुआ सब कुछ, ये कैसे हुआ ये मेरी समझ में नहीं आया साहब। क्या उन्होंने नहीं ली थी, क्या वो बाद में ली, वो झूठ बोल रहे थे, क्या है इसमें, क्या लगता है आपको? नहीं ये देखिए ये तकनीकी जो पेचीदगियां हैं, मतलब वो तो क्लरिकल मिस्टेक है ये कोई, हाँ वो सुप्रीम कोर्ट जो डेली कवर करते हैं इस बारे में तो वो ही रोशनी डाल सकेंगे, लेकिन जहां तक शाह फैजल का स्टैंड है तो शाह फैजल ने पूरी तरह से यू टर्न ले लिया था। उन्होंने याचिका दायर की थी जब उनकी सोच अलग थी। अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाया कि अब उनकी सोच क्या थी। अब उनकी सोच कुछ वैसी ही है जैसी कि सरकार की अगस्त 2019 में सोच थी और अब वो सरकार के साथ में है और कुछ वैसी ही बात करते हैं जैसी की बात केंद्र सरकार कर लेकिन रही है। और लेकिन वही बात उनका ये भी कहना है कि मैं और लोगों को बताना चाहता हूं। लेकिन मैं यहाँ आपको मैं टोकना चाहूंगा, कुछ लोग कहते हैं कि शाह फैजल अमित शाह के एजेंट थे और ये एक प्लानिंग का, ये एक प्लानिंग का हिस्सा था चीजों को जानने का, डिरेल करने का, और पता नहीं अब इसके पीछे क्या सच्चाई है। ये इस पर खूब लोगों ने खूब खुलकर कहा कि ये एक देखिए यहाँ पर मुझे मुझे भी हर्ष भाई ये बात मुझे भी चौंकाने वाली लगी कि जो आदमी जब वो उसने ब्यूरोक्रेसी छोड़ी और जब वो राजनीति में गया और जब उसने इतना एक तीखा रवैया अपनाया था सरकार के खिलाफ आर्टिकल 370 को लेके,
फिर अचानक में उसकी बड़े ही स्मूथली वापसी कैसे हो जाती है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल ये बात अपने आप में सवाल खड़ा करती है कि वो वापस से फिर से सरकार में पहले के जैसे कैडर आ उसका जाते हैं, वही मिल जाता है ब्यूरोक्रेट जो बन भाई जाते हैं, आसाम से अफसर बन भाई। जाते हैं, और उनका बिल्कुल तो जाहिर तौर पर जो लोग इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थियरी की बात कर रहे हैं और या फिर इस तरह का नैरेटिव भी बना रहे हैं, तो उसमें हम बिल्कुल जाहिर तौर पर उसके लिए सब्सटेंस है, उसके हाँ लिए उसका धुआं जरूर केस है, बनता है कि वो क्योंकि है कुछ ना कुछ। सही बात है बिल्कुल कि जिस तरह से शाह फैजल ने यू टर्न लिया और यू टर्न लेने के बाद में हाथों हाथ उनका सारा कुछ स्मूथली शुरू हो गया जो है पहले की तरह, जैसे कि बीच में नौकरियां वो बहाल उन्होंने कराने के ड्यूटी लिए को सस्पेंस अपनाया है, ही नहीं और मजाक सारा उड़ाने के कुछ। लोग मुकदमे लड़ते हैं साहब, 10 10 साल नौकरियां नहीं बिल्कुल मिलती, तनख्वाह नहीं मिलती है। तो जाहिर तौर पर बिल्कुल, तो जो लोग ये बात ये सवाल उठा रहे हैं तो उनका सवाल उठाना बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि हमने देखा कि शाह फैजल के साथ जो अब हुआ है, जब उन्होंने पिटीशन वापस लेने की जैसे बात कही और जब उन्होंने कहा कि मैं राजनीति छोड़कर जो है फिर से ब्यूरोक्रेसी में आऊंगा, तो जाहिर तौर पर सवाल तो उठता ही है हर्ष भाई। थोड़ा सा प्रकाश इस पे डालिए कि जो कपिल सिब्बल को डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने ये कहा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो नहीं थी वहां पर, तो उसके बाद आपने क्या इसको परमानेंट 370 को ही मान के चल लिया क्या? अगर वहां से असेंबली में वो नहीं है, संविधान सभा नहीं है वहां पर, तो क्या इसको 370 को भी हटाया नहीं जाएगा? इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए, इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये बात कही है कि दो बड़े सवालों के जवाब ढूंढने हैं इस पूरी प्रक्रिया पे। पहला सवाल ये कि क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हटने के बाद अनुच्छेद 370 जो है क्या उसका परमानेंट स्टेटस हो गया है, ये बिल्कुल पहला सवाल है, परमानेंट है या नहीं है, इस पर इस वक्त जो है प्रोसीडिंग्स चल रही है। दूसरा सवाल ये है कि जिस तरह से अनुच्छेद 370 को हटाया गया, पहले 5 तारीख को लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, उसके बाद में सीधे राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाता है, तो ये जो प्रक्रिया फॉलो की गई क्या उसको हटाने की प्रक्रिया सही थी, क्या कानूनी तौर पर जो है वाजिब प्रक्रिया का इस्तेमाल हुआ। कपिल सिब्बल का कहना है कि इसको हटाने की एक वाजिब प्रक्रिया भी थी, एक कानूनी प्रक्रिया भी थी, लेकिन मैं ये क्यों बताऊं सामने वाले पक्ष को, कपिल सिब्बल ये कहते हैं कि इसको हटाया जा सकता था, ये इसको कानूनी तौर पर हटाया जा सकता था, तरीका लेकिन सही नहीं है। उसकी, हाँ लेकिन ये तरीका सही नहीं है, उसका एक सही तरीका भी है, लेकिन वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको क्यों बताऊं, ऐसा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था। तो इस वक्त जो पूरी प्रोसीडिंग है, और जो मुझे लगता है कि जब इसका ऑर्डर भी आएगा, तो जो ऑर्डर आएगा इस पूरे मामले का, तो इन्हीं दो सवालों को रखकर आएगा। और अगर हम अगर मीटर की बात करें कि इस वक्त किसका मीटर अप है किसका डाउन है, अगर वो देखें, तो इस वक्त मुझे जो लोग धारा अनुच्छेद 370 को हटाए जाने का विरोध कर रहे हैं वो फिलहाल कमजोर नजर आ रहे हैं। अब तक की जो कानूनी प्रोसीडिंग हुई है, जो प्रोसीडिंग्स हुई है सुप्रीम कोर्ट में, और जो सरकारी पक्ष की ओर से जो दी गई दलीलें हैं वो मुझे मजबूत नजर आती हैं, और हो सकता है कि पासा पलट भी जाए, ये डिपेंड करता है कि आगे चलकर, अभी क्योंकि ये मामला और भी खींचने वाला है, तो दोनों तरफ से किस तरह की दलीलें, किस तरह की तर्क पेश की जाती हैं उस पर निर्भर करेगा। लेकिन मैं अगर पिछली हियरिंग तक की बात करूं तो पिछली हियरिंग तक उनका मामला कमजोर नजर आ रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, और जिस तरह से सीजेआई और जो जस्टिस कॉल हैं दूसरे, उन्होंने जिस तरह से आर्ग्यू किया है और सिब्बल साहब को कहा है, उससे ये भी लगता है कि जो बेंच है वो किस तरीके से सोच रही है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, कुछ चीजें स्पष्ट होने लगती हैं। जैसे महाराष्ट्र वाली जो आपने ये लिखी थी सबसे बड़ी बगावत, इसमें ज्यादातर जी जो था वो उद्धव ठाकरे के अगेंस्ट ही आया सुप्रीम कोर्ट में, अभी तक जो रुख है सुप्रीम कोर्ट का कि भाई जी आपने उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पास में पूछ सीधे रहा हो, तौर पर ये आपने कहा, आपने फेस ही नहीं किया असेंबली को। बिल्कुल बिल्कुल आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, उन्होंने सीधे सीधे कहा, उन्होंने कहा कि देखिए वो जो पूरा ऑर्डर था कि जो सारी चीजें हुई उसको उन्होंने पहले तो उसको उन्होंने डिटेल किया, फिर उसके बाद देखिए पूरा मामला जो है वो कह कि अब रिस्टोर नहीं किया जा सकता है, हम आपकी सरकार को सुप्रीम कोर्ट रिस्टोर भी कर देती, लेकिन आपने तो फेस ही नहीं किया ना, आपने विधानसभा को फेस नहीं किया और आपने इस्तीफे का घोषणा कर दी, अगर आप वो नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश कुछ और आ सकता था। बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर को कहा है कि जो याचिका विधायकों के निलंबन की जो दायर की गई थी उस पर आप जल्द से जल्द फैसला लीजिए, तो उस पर भी काफी ढुलमुल तरीके से काम यहाँ पर हो रहा था, लेकिन फिर वापस से ये लोग सुप्रीम कोर्ट में आए ठाकरे गुट के लोग, तो अब उसमें भी कुछ हलचल हो
होती दिखाई पड़ रही है बीते 2-3 हफ्तों से। अच्छा, हमारा टाइम 4 मिनट का रह गया है थोड़ा सा। एक सवाल आपसे जी पूछूंगा, ये सतपाल मलिक जैसे जो ढोल की तरह बजने वाले लोग हैं, जिन पे कोई भी आप सर, मारे या ना मारे और बजने लगते हैं, इन लोगों का क्या इलाज है? अब देखिए, मुझे बड़ा ही मतलब विचित्र कश्मीर लगता के है संदर्भ में सतपाल बात करना मलिक का चाहूंगा, जो है। कश्मीर के संदर्भ में जैसे उन्होंने पुलवामा को और इन सब चीजों को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कही, प्राइम मिनिस्टर पर सवाल उठाए, डिफेंस मिनिस्टर पर, होम मिनिस्ट्री पर सवाल उठाए, मैं सिर्फ उस संदर्भ में बात करना चाहूंगा। देखिए, मुझे तो, मेरे लिए तो बड़ा ही शॉकिंग था जब वो तमाम बातें करने लगे। मैं आपको बता दूं कि वो जब गोवा गए थे ना, पहले वो आपको याद होगा कि वो गोवा के भी राज्यपाल थे, वहां हाँ, से वो हटने के कश्मीर बाद के में। बाद गोवा ही गए थे। हाँ, तो उसके बाद से ही उनके रुख में बड़ा परिवर्तन आने लग गया जो है। मतलब जो स्टैंड उनका गोवा आने से पहले तक था, अब गोवा की हवा का कुछ असर है, या आपको पता है नहीं गोवा नहीं किस नहीं चीज के लिए हमें मशहूर हमें है? ये लगा कि मेरा डिमोशन हो गया है साहब, मुझे वहां पे भेज दिया इतने बड़े स्टेट तो से, शायद इतना मतलब हाईलाइटेड इलाका, और वहां से गोवा जैसा छोटा सा इलाका वहां भेज दिया, और उसके बाद फिर तो मेघालय में तो बिल्कुल ही किनारे कर दिया, नॉर्थ ईस्ट में भेज दिया, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गए। लेकिन मेरा जो मेरा अपना इसमें ओपिनियन है कि आप ऐसी जिम्मेदार पोस्ट पर रहते हुए, देखिए मैं तो इस चीज के भी बड़े खिलाफ रहा हूं कि रॉ का कोई चीफ रिटायरमेंट के बाद अपनी कोई किताब लिखे, मैं इस चीज के जी बिल्कुल खिलाफ हूं। या संजय बारू किताब लिखे और प्राइम मिनिस्टर पीएमओ के अंदर जो चीजें उनके सामने हुई उनके कार्यकाल में जब वो एक सरकारी पद पे थे, उसको बाद में वो इस तरीके से पब्लिक करें, मैं तो इस थ्योरी के खिलाफ हूं। मुझे तो, मेरा तो मानना है कि इन लोगों से लिखवा लिया इसके लिए जाना कानून आ गया है हर्ष जी, बिल्कुल। एक कानून आ गया है कि हाँ अगर कोई इस तरह से, ना केवल इंटेलिजेंस एजेंसीज में काम करने वाले लोग, बल्कि कोई भी केंद्र सरकार के जो इस तरह के महकमों से जुड़े हुए लोग हैं, सुरक्षा बलों से जुड़े हुए लोग हैं, या खुफिया एजेंसी से जुड़े हुए लोग हैं, अब वो अपने रिटायरमेंट के बाद आसानी से किताब नहीं लिख सकते हैं। अगर उन्होंने किताब लिखी तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई हो सकती है, उनकी पेंशन रोकी जा सकती है। तो अब ऐसा मुझे लगता है कि ये हाल फिलहाल में चंद महीनों पहले ही इस तरह का कानून आ चुका है जिसके तहत अब ऐसा नहीं होगा। तो जो आप चाहते हैं वैसा ही हो रहा है कि अब इस तरह से इतना आसान नहीं है मेरा किताब मानना है कि लिखना। आप सत्पाल मलिक जैसे लोग इस तरह के आरोप खुलेआम लगा रहे हैं, आप एक सेंसेटिव स्टेट में आपको रखा गया जिम्मेदारी पद पर, और आप कह रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, मुझे पता था, भाई तुम्हें पता था तो फिर हुआ कैसे ये सब कुछ, वो भी कटघरे में इसमें खड़े हो जाते हैं। तो दीक्षित जी, आज के लिए इतनी ही चर्चा करेंगे, और आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, आप उस पर थोड़ी सी अगर नजर रखें हमारे दर्शकों के लिए, तो अगले एपिसोड में उस पर और थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे। और मैं बिल्कुल हर्ष भाई, अपने बिल्कुल, अपने बहुत अच्छा लगा दर्शकों से आपसे अपील इस करूंगा कि ये बातचीत किताब जो है करके। कश्मीर पे दीक्षित जी की, और ये जो दूसरी किताब है इनकी जो इन्होंने महाराष्ट्र पे लिखी थी, इसके दोनों लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जाएंगे, आप उसे मंगाइए, पढ़िए, बहुत अच्छी है, छोटी सी किताब है, बहुत जल्दी पढ़ जाएंगे आप, काफी चीजें इसमें दी गई हैं, कश्मीर वाली मैंने भी नहीं पढ़ी है, तो फिर इनसे जुड़ेंगे। चलिए सर, धन्यवाद 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 फिर जुड़ने के लिए, हर्ष भाई। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।